हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जय और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जेएस भक्ते में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2020 का जो पेपर पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा और उसमें कौन से स्टेज रहेंगे, किस स्टेज को क्वालिफाई करके हम इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे मोड ऑफ द सिलेक्शन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका, आपको आपके यहाँ पे 4 स्टेज रहेंगे, उसे क्वालिफाई करके आप उस पोस्ट को हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो स्टेज रहेंगी आपकी वो रहेगी यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। ये आपकी पहली यहाँ पे स्टेज रहेंगी जिसमें आपका टोटल 120 मार्क्स का पेपर रहेगा 2 घंटे का। और जो स्टेज 2 रहेगी आपकी वो रहेगी मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा। और जो स्टेज 3 रहेगी वो रहेगी आपकी इंग्लिश टाइपिंग की टेस्ट रहेगी। और जो स्टेज 4 रहेगी वो रहेगी इंटरव्यू, उसमें जो टोटल मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। तो चलिए फिर बात करते हैं स्टेज 1 के डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो यहाँ पे स्टेज 1 में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, जिसमें आपको 45 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मार्क्स के लिए। और जो उसमें के जो यहाँ पे सिलेबस दिया है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। जो थर्ड रहेगा यहाँ पे वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अरिथमेटिक एबिलिटी, उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। हर एक क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे 25% नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, आप यानी कि आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपको निकाला जाएगा आपके क्वेश्चन के 1 मार्क्स में से। जो यहाँ पे आपको स्टेज 2 के लिए कट ऑफ रहेगा वो रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स होना उनको 120 में से, यानी कि 50%, और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 54 मार्क्स होना 120 में से, यानी कि 45%। और उसी तरह एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए भी यहाँ पे 45% कट ऑफ है। जो स्टेज 2 है उसकी बात करते हैं, वो है आपकी मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सारी एग्जाम OMR बेस्ड होंगी यहाँ पे, विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर रहेगा उसमें, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। उसमें जो पहला पार्ट है पार्ट ए वो ऐसे रहेगा, 250 वर्ड्स इज इक्वल टू 40 मार्क्स, एंड लेटर रहेगा 10 मार्क्स का लेटर रहेगा आपका। और पार्ट बी है वो रहेगा आपका ग्रामर, 30 मार्क्स का, एंड ट्रांसलेशन रहेगा 25 वर्ड्स का इज इक्वल टू 20 मार्क्स। जो पूरा पेपर रहेगा आपका वो रहेगा यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और टोटल टाइम आपको 120 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होना यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स होना, और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 45%, यानी कि 45 मार्क्स होना आउट ऑफ पेपर। अगर आपका ये स्टेज 2 क्लियर है तभी आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो चलिए बात करते हैं स्टेज 3 की। उसमें आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहेंगी, वो रहेंगी 10 मिनट में, आपको 35 WPM के स्पीड से आपको पैरा टाइप करना होगा यहाँ पे। और उस वो क्वालिफाई होने के बाद आपको यहाँ पे इसमें जो स्टेज 3 में आपका जो पैरा आप टाइप करोगे उसमें अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपके मार्क्स में से 3% आपको यहाँ पे मार्क्स कम मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के। जो स्टेज 4 रहेंगे यहाँ पे आपकी वो रहेंगे आपका इंटरव्यू, टोटल मार्क्स रहेंगे उसके 25 मार्क्स का इंटरव्यू रहेंगे आपको। जो मिनिमम पासिंग मार्क होना फॉर जनरल कैटेगरी के लिए वो होना आपको 12.5 मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे इंक्लूडिंग PWD एंड एक्स सर्विसमैन उनको 11 मार्क्स होना यहाँ पे जरूरी है। तो जो ये पूरा पेपर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर रहेगा। जो प्रिलिमिनरी और मेंस का पेपर आपका ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपकी चारों स्टेज क्लियर होना जरूरी है, और इसमें जो सिलेक्शन रहेगा आपका वो आपके किसी अगर टाई होता हो तो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स पे से भी डिसाइड किया जा सकता है, और डेट ऑफ बर्थ पे से भी डिसाइड किया जा सकता अगर आपका नंबर्स अगर 2 स्टूडेंट्स का टाई होता हो तो। तो ये थी पेपर पैटर्न की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो देखते रहिए।